का मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट ओडीआई से पहले दोनों टीम्स की पॉसिबल और प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, दोनों टीम्स को कौन से 11 खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी को सब्सक्राइब करके हाथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और मुझे MX takatak और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11, क्योंकि इंडिया की प्लेइंग 11 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इंडिया को प्लेइंग 11 बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 बहुत साफ है। इंडिया की प्लेइंग 11 में पहले ओपनर का स्थान पक्का है शिखर धवन। वही अगर बात की जाए दूसरे ओपनर की तो मयंक अग्रवाल, संजू सैमसन, शुभमन गिल और KL राहुल का फॉर्म भी अच्छा था। संजू सैमसन की इनकंसिस्टेंसी है। मयंक अग्रवाल ने जब खेला है ओडीआई क्रिकेट तो उन्होंने बहुत अच्छा किया नहीं है और शुभमन गिल ने तो खेला ही बहुत कम है, इसलिए KL राहुल को ही मौका मिलेगा। और साथ ही एक पॉइंट जुड़ जाता है KL राहुल के साथ, विकेट कीपिंग का पॉइंट, इसलिए KL राहुल को दूसरे ओपनर के तौर पर मौका मिलेगा। नंबर 3 पे मुझे नहीं लगता है इस सीरीज में विराट कोहली मूड में है कि नंबर 4 या 5 पे जाके खेले, तो नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे फिर श्रेयस अय्यर, 5 पे मनीष पांडे पक्के हो जाते हैं क्योंकि मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और संजू सैमसन इन तीनों को ओपनर नंबर 3 से भेजिएगा तो पूरा खराब हो जाएगा, ये प्लेयर वेस्ट प्लेयर हो जाएगा आपका एक, इसलिए नंबर 5 पे मनीष पांडे, नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा जाएंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या खेलेंगे नंबर 7 पे लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर सकते हैं अच्छे से, इसलिए रविंद्र जडेजा को खेलना और जरूरी हो जाता है और वो दूसरे स्पिनर भी होंगे। नंबर 7 पे जैसा कि मैंने बोला हार्दिक पांड्या, नंबर 8 पे बैटिंग करने आएंगे या बॉलर शुरू हो गए तो नंबर 8 के लिए दो दावेदार है। नंबर 8 के लिए एक दावेदार है नवदीप सैनी और दूसरे दावेदार है शार्दुल ठाकुर। दोनों अलग अलग टाइप के बॉलर हैं। नवदीप सैनी के पास बहुत ज्यादा पेस है, वहीं शार्दुल ठाकुर कटर्स डालते हैं, इसलिए दोनों बहुत अलग तरह के गेंदबाज हैं। लेकिन मुझे लगता है विराट कोहली नवदीप सैनी को खिलाएंगे इस मैच में। वहीं अगर बात की जाए दो और पेसर्स की तो दो और पेसर्स तो खेलेंगे और वो दो पेसर्स होंगे मोहम्मद शमी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह। वही बात की जाए अगर एक स्पिनर की जो मुझे लगता है खिलाएगी इंडियन टीम, वो एक स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल है दावेदार। लेकिन युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छा किया आईपीएल में भी और पिछले बार जब ऑस्ट्रेलिया में खेला था तो एक मैच में 6 विकेट लिए थे युजवेंद्र चहल ने। वही कुलदीप यादव ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, 2 IPL वो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे और पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में भी वो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, इसलिए कुलदीप यादव को मौका नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की तो जैसा कि मैंने बोला बहुत साफ है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में ओपन करेंगे कैप्टन एरन फिंच के साथ डेविड वार्नर, नंबर 3 पे आएंगे स्टीव स्मिथ, नंबर 4 पे मानस कर्बुशन, नंबर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पे मार्कस टॉनिस, नंबर 7 पे बैटिंग करने आएंगे विकेट कीपर एलेक्स कैरी। फिर दो पेसर्स खिलाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम, दो पेसर्स तो पक्के हैं और उन दो पेसर में नाम आता है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस का। फिर एडम जैम्पा एक स्पिनर हो जाएंगे, फिर एक स्पॉट बचा है उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट पे निर्भर है कि वो ज्यादा स्पिन खिलाना चाहती है या ज्यादा फास्ट बॉलिंग। अगर वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहते तो उन्हें थोड़ी सी बैटिंग भी मिलेगी। एक्स्ट्रा स्पिनर में दो चॉइसेस है ऑस्ट्रेलिया के पास, एस्टन एगर और क्रिस ग्रीन, दोनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। वहीं अगर 3 फास्ट बॉलिंग के भी विकल्प है लास्ट नंबर के लिए और वो 3 विकल्प है एंड्रयू टाय, जॉश हेजलवुड और सीन एबॉट। जॉश हेजलवुड को ही मिलेगा मौका अगर ऑस्ट्रेलियन टीम एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहती है, क्योंकि एंड्रयू टाय और सीन एबॉट ने बहुत समय से अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल सुबह 9:10 से शुरू होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई मैच। तो दोस्तों स्टे होम, थैंक यू।